तो साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर उपयोग करे और क्या। मम्मी अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, अब तुमको मुझको पालने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये सब की अपने को। आई लाइक इट। सर मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। ओ धर्म जी की इतनी बेइज्जती। अबे तू धर्मेंद्र नहीं तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। घर वालों से छुप के एक वीडियो बनाई थी, 15 लाख आए थे उसपे, पता ना कैसे रिश्तेदारों को पता लग गई। मम्मी के नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया। मम्मी कह रही तेरी वीडियो नहीं तेरी फिल्म बनाएंगे। सलाम। नमस्ते भाई, आपके लिए राशन। भाई फोटो नहीं लोगे? भाई फोटो तो ले ली। किसने ली? उसने। ईश्वर अल्लाह। जहाँ तक मेरी उंगली जा रही नहीं, हाँ जहाँ तक, हाँ वो सारी जमीन अपनी है। क्या बात कर रहा है यार भाई, यार इतनी सारी जमीन तेरे पास यार, तू तो बहुत करोड़पति आदमी है यार। फिर कहाँ देख रही है उंगली, कहाँ तक जा रही है? ये इतनी इतनी जमीन अपनी बस। ये तो मैं एक बारी में ही गिरा दूंगा। अच्छा, अगर आपने एक ही बारी में सारे ग्लास गिरा दिया ना, तो मैं आज आपसे शादी करूंगी। रा बंदा आ गया, बंदा आ गया, गोली मार, गोली मार, गोली मार, गोली खत्म होगी। अरे गाली दे दे। जी एबीसी सुनाओ। एबीसी। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। भाई क्या कर रहे हो? टाइम पास। आज मैंने जांच में पता कर लिया दोस्तों, ये जो आलू का परोठा है ये मसाला डोसा की मौसी का बेटा है। सच में गाइस, अगर आप बहुत टाइम से जिम कर रहे हो और आपकी बॉडी नहीं बन पा रही, तो भाई तुम रहन दो, फिर ना बन पाएगी तुम पे बॉडी। खाओ पियो, पेट बढ़ाओ। अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तो बना लो फिर। मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ? क्या कह दिया? फूलों के तारों का सबका कहना है, 1000 किलो की तेरी बहना है। तो गाइज आज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा चैलेंज, इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो गाइज जैसा कि हम लोग को कभी भी कॉल आता है तो हम लोग बहाना दे देते हैं, नहीं उठाने का मन करता है, हम लोग बोलते हैं ये मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ। बट अब जब हम लोग घर पर बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग क्या बहाना देंगे? मेरे पास कोई बहाना ही नहीं बचा है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को कोई अच्छा बहाना बताना है कि क्या बहाना दे सकते हैं, और जिसका भी बहाना सबसे अच्छा रहेगा मैं उसको शाउट आउट दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो मेरे को अपना बहाना लिख के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो इंस्टाग्राम के ऊपर। जिन लड़कियों को भाई चाहिए वो अपने माँ बाप को बताए, कृपया हमें भाई ना बनाए। पुलिस वालों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि अगर वो कोरोना के टाइम पे किसी को डंडा मारते हैं तो प्लीज एक पावती दे दे, फिर आगे वाले सिग्नल पे जाके वापस डंडा मारते। अरे भाई दुखता है, दुखता है। बर्फ दे भाई, बर्फ। अपने बेटे को छुड़ाना चाहती हो तो 1 लाख रुपए लेके आ जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? रुको अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे पुलिस वाला ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा लौंडा कर्फ्यू के टाइम पर बाहर घूम रहा, चालान कटा इसका 1 लाख का, रुपए दे जाओ और इसे ले जाओ। अमराव, तेरे लिए शूज लाया। अरे वाह, थैंक यू सो मच बाबा यार। अरे लेकिन ये साइज तो मेरा नहीं लग रहा है। अरे साइज तो मेरा है, कहूंगा तो मैं, तू तो खाएगा।
कल रिजल्ट है ना तेरा। ए देवा, ये 15 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा ना रे? तो बच्चों ये बताओ, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? सर बंदर कहते हैं। बुक में से देख के बोला ना? नहीं नहीं सर, माँ कसम मैंने तो आपको देख के बोला। अरे वो चिपकाने वाला नहीं होता, ग्लू 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 ग्लू। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्योंकि तुम बिल्कुल मूर्ख जड़ बुद्धि आदमी हो, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। भाई बाहर ना जाना, बहुत लाठी चल रही है, हमारा तो भोकाल था, सलाम किया पुलिस वाले ने, हम चले आए, तुम मत जाना, समझे? बैठो बैठो, बैठेंगे नहीं यार, बैठो भाई। मुंह से निकली हर बात सच्ची नहीं होती, और मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हर किसी की पसंद अच्छी नहीं होती। आँख दिखाता है किसने नाम लिखा रे? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुमने क्या देखा? सर उस दिन मैंने, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखा, नागिन देखा, और उसके बाद दो नहीं, आए थे वो। जब तुम लाश के घर गए तो तुमने वहाँ क्या देखा? सर वहाँ तो टीवी चालू ही नहीं थी। तेरे बाहों के झूले बनी बबल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बबल, और आज का क्या प्लान है? बहुत प्लान्स है यार, मुझे अब बुक्स पढ़नी है, खाना बनाना सीखना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर उसके बाद थोड़ा दिल गलती कर बैठा है, गलती गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू का माल चाल रे। हेलो नो 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 बेस्ट फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ, जिसने मेरा हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तेरे लिए कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। हट भाग। एक नंबर मचाएंगे, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रही हूँ, सब मुझे भाव दे रहे फिर भी सब हटा रही हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रही हूँ, मेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रही हूँ। हम दिए दिए
जलाएंगे जलाएंगे हम दिए जलाएंगे हम फटाके फोड़ेंगे चाय बना रहे जो घर पे बैठे बोर हो रहे हैं उनको मैं बता दूं अस्पताल में और भी ज्यादा बोर हो जाओगे और दीवार पे टंगी फोटो में तो हिल भी नहीं पाओगे। सुनो जी, देखना जरा मेरे चेहरे पर मच्छर है क्या? हाँ है, एक मिनट रुकना जरा, देखूं जरा मर गया क्या। ओ मैडम मैडम सॉरी 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 अरे सॉरी क्या दिखता नहीं क्या देखो? सॉरी मैडम सॉरी सॉरी मेरे सॉरी में क्या स्पेलिंग की मिस्टेक थी क्या हेबड़ी भाई? हाँ, एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाने दे, 4-5 दिन तक घर ही नहीं आऊंगा। भाई सोया पड़ा है क्या? भाई सुन, भाई सोया पड़ा है क्या? तू सो रहा है क्या? हाँ। फिर सो जा, बाद में बात करते हैं। अभी बेटा। हाँ। ले दूध पी ले। यार बच्चा थोड़ी हूँ, मैं नहीं पी रहा। ऐसी नहीं मानेगा ना तू? तेरे लिए मुझे टिकटॉक का गाना लगाना ही पड़ेगा। मैंने दूध पी लिया। क्या तुम्हारा रोज का यार? नाइस। भाई और 10-12 दिन है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर खूब मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। मोदी नाम है उसका। व्हाट्सएप का स्टेटस तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक जिसकी जलानी हो वो दिख ना ले। कुछ लड़कियों ने फेसबुक इंस्टाग्राम सब प्राइवेट किया होता है और टिकटॉक पे नाच नाच के वीडियो बना रही होती हैं। वहां साला फोटो शो नहीं हो रहा और यहाँ पे पूरी फिल्म शो हो रही है।